तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2023 में बिना मोबाइल नंबर के जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको भी बिना मोबाइल नंबर के अपना जीमेल अकाउंट बनाना है तो इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप भी अपना जीमेल अकाउंट बना लेंगे बिना नंबर के। तो जीमेल अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ पर अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर माई सेल्फ, तो आपको फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्स्ट नेम और इसके नीचे लिखा हुआ है सर नेम। तो यहाँ पास आपको अपना फर्स्ट नेम और सर नेम डाल देना। तो यहाँ पास अपना फर्स्ट नेम और सर नेम डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम और सर नेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहां पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। तो यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूं मैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ जेंडर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप मेल या फीमेल आप जो भी हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पास मैं मेल पर सिलेक्ट कर देता हूँ। मेल पर सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट अ जीमेल एड्रेस, तो यहाँ पास से आपको अपना नाम डाल देना है। और नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर एक यूनिक नंबर डाल देना है। अगर आप यूनिक नंबर नहीं डालेंगे तो आपके जीमेल अकाउंट नहीं बनेगा। तो यहाँ पास मैं कोई नंबर डालकर देखता हूँ कि मेरा नंबर लेता है या फिर नहीं लेता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अकाउंट से पहले ही इस अकाउंट बन चुका है इस नाम से, इसलिए मेरा अकाउंट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पास मुझको इसमें थोड़ा चेंज करना होगा। तो यहाँ पास मैं एक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि नहीं लेता है या नहीं लेता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस नाम से भी पहले जीमेल अकाउंट बना हुआ, इसलिए मेरा ये नाम से नहीं बन रहा है। तो इस तरह से आपको एक बार बार ट्राई करना है कि आपको कोई नाम से अगर बना होगा पहले से तो यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर चेंज कर लेता हूँ। मैं फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर नहीं ले रहा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और इसमें चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर अब ले चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो यहाँ पास आपको एक पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पास मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद मुझको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यस आई एम इन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम लिखकर यहाँ पर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ऑटोमेटिकली ही कट हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्ले स्टोर ओपन करके कि मेरा जीमेल अकाउंट बना है या फिर नहीं बना। मैं आपको दिखा रहा था अपना प्ले स्टोर ओपन करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर जीमेल अकाउंट बन चुका है। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, जो मैंने नाम से बनाया था मेरे उस नाम से यहाँ पर जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो इस तरह से आप 2023 पर अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हो बिना मोबाइल नंबर के।